खुश हूँ। वैसे मैं हूँ अभी अपने भाई के साथ फॉर दिस ऑकवर्ड सेशन ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हमारे बीच में कुछ ऑकवर्ड होता नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ढाई ढाई घंटे पूरा दिन बात कर सकते बात करते रहते हैं भाई। हाँ तो इंट्रोडक्शन, मायसेल्फ प्रियांशु, न्यू मैं ये ब्लॉग में नया है, अब नहीं रहेगा मतलब पता नहीं क्या क्या करने वाली मेरे साथ एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करती हूँ, बूब्स और बट्स, वो टिपिकल क्वेश्चन। बट ज़्यादा बेटर रहेगा, बूब से तो कुछ कर नहीं सकते हो नॉर्मल मिलता नहीं इस लड़के को कुछ भी, ठीक है पहले बता दो सेम साइड पे हम दोनों कुछ नहीं होता। डू गर्ल्स शेप मैटर टू यू? नो, अरे जिंदा होनी चाहिए बहन बहन जिंदा होनी चाहिए बहन नहीं लड़की जिंदा होनी चाहिए, बहन तो मर जाए तो भी चलेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हेन गर्ल्स मेक द फर्स्ट मूव? बेटर, ज़्यादा अच्छा है कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने से, मतलब कंटिन्यू करना। तुम लड़के एक कॉन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करते हो अगर एक लड़की से करना रहा बात तो? इंस्टा की बात करें तो हाय हेलो, स्टोरीज में जाके हाय ऐसा कुछ, ये दिस स्टोरी पे रिप्लाई तो पक्का है, रिप्लाई भी ऐसा कुछ नहीं है। डज वर्जिनिटी मैटर टू यू? जब तक वर्जिन हो तब तक मैटर करता है। डू यू गाइस टॉक अबाउट डिक साइजेस? भाई हम तो ऐसे कभी बात नहीं करते सच में नहीं करते कहाँ से आता है मतलब तुम्हारे मन, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉडी हेयर ऑन एवरीवेयर ऑन योर बॉडी? मेरे तो है, झेल नहीं पड़ता है झेल नहीं पड़ता है। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन अ गर्ल? नेचर एंड इट्स बिहेवियर नॉर्मली। डू यू गाइज थिंक अबाउट मैरिज? ऐसे ना सपना होते थोड़ा डे ड्रीम करते कि यार शादी हो जाएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ सोचते हो तुम सारे कम्युनिटी के लड़के? मतलब सोचते तो हैं, वो कोई चाहिए होता है पार्टनर तो नॉर्मली किसी ना किसी को बस बना लो तो मिल जाए टाइम पे। व्हाट डू यू प्लान फॉर द फर्स्ट डेट? अच्छी जानी चाहिए, मतलब लड़की इंट्रोवर्ट नहीं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी तो चलेगी। इंट्रोवर्ट में काफी ऐसा हो जाता है ऑकवर्ड फील हो जाता है कि वहां फर्स्ट डेट पे कि ऑकवर्ड फील ना हो ऐसा। हां बस। और व्यूज ऑन अ गर्ल एंड अ बॉय बीइंग फ्रेंड? हमारा एग्जांपल ले लो भाई, हम भाई बहन हैं। हां मतलब फ्रेंडशिप के वे में भी हमारी अच्छी जन अच्छी होने ही चाहिए, मतलब एक अपोजिट जेंडर का काफी फर्क पड़ता है एज अ फ्रेंड, तो मेंटली एंड सोशली अपन को काफी अच्छा इंपैक्ट मिलता है, व्यूज काफी सही मिल जाते हैं, बहुत सही है एक दोनों के, मतलब अल्टरनेट कोई कुछ और सोचता है तो थोड़ा कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है। व्हाई डू यू गाइस प्रेफर गर्ल्स विदाउट मेकअप? बिना मेकअप के लड़की होती है क्या? अरे फिल्टर लगा रखा है भाई कुछ नहीं। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डू यू मास्टरबेट? नॉर्मली 5-6 टाइम्स। जिंदा कैसे रहता है? ओह यार ओह यार अच्छा नहीं यार नहीं करता मजाक है। बाकी बॉयज करते हैं नॉर्मली। काइंड ऑफ गर्ल्स डू यू प्रेफर, लाइक एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स? एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बेटर है बात करने के लिए। मेरी पर्सनालिटी कैसी लगती है? तेरी पर्सनालिटी काफी सही है और तू एक्सट्रोवर्ट भी है, ज्यादा सही है। बट मेरे फ्रेंड्स नहीं है। डू यू वॉच पॉर्न? हाँ। कौन से कौन सी क्या जो आया है वही, वैसे तो मोदी सरकार के साथ है फिर भी। आप हाउ मेनी टाइम्स डू यू गाइस थिंक अबाउट सेक्स? जब भी मूड होता है तब जाने तेरा बता लाइक मैं डिनाई नहीं करूंगी कि लड़कियां नहीं सोचती, बट पर्सनली माय मेरा ना सेक्स के वे में कभी नहीं रहता, मेरे रोमांटिक वे में जो होता ना लव मेकिंग पॉजिटिव होते हैं तो बड़े ब्रह्मचारी। व्हाट विल यू थिंक अबाउट माय बॉयफ्रेंड? बेचारा होगा सबसे पहला और नेचर का तो अच्छा ही होगा, लाइक तू भी है तो अच्छी बनेगी मैं। ओके, विल यू जज अ गर्ल ऑन बेसिस ऑफ हर क्लोथ्स? नेवर एवर, गर्ल्स छोड़ो लड़के को भी जज नहीं करनी, कपड़े के बेसिस पे कौन जज करता है, कपड़ों का जेंडर नहीं होता बेसिकली। हां बेसिकली नहीं होता। हां ओके, 5 थिंग्स अबाउट माय पर्सनालिटी व्हिच यू लाइक और डिसलाइक, लाइक एनी। डिसलाइक तो कुछ है नहीं नॉर्मली, लाइक्स है तो तेरी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को एज ए फ्रेंड, और तो नेचर तेरा काफ़ी सही है, इमोशनल मेरे को अच्छा केयरिंग मिलता है तेरे से, और काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन टाइप मोटिवेशन थोड़ा ऐसा कुछ एंड सपोर्ट कह सकते हैं अपन। 5 थिंग अबाउट।